देखिए, किसान आंदोलन जो चला रहे हैं लोग, वो प्रायोजित है, और किसान हमारे अन्नदाता है, भाग्य विधाता है इस देश के। आदरणीय मोदी जी, इस देश के किसानों का अहित नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, या प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी अहित नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत छोटे परिवार से, सामान्य परिवार से आके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन कुछ लोगों को केवल मोदी जी का विरोध करना, इस कारण केवल पंजाब के किसानों, कुछ हमारे कुछ लोगों को बरगला लिया है। लेकिन आप ये भी तो देख रहे हैं कि समर्थन में किसान भी जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं समर्थन में, कि भाजपा ने जो कुछ काम किया अच्छा किया, क्योंकि किसानों की जो आय दुगनी हमको करनी है, तो कोई ना कोई नया उपाय उसके लिए ईजाद करना ही पड़ेगा। इस कारण आदरणीय योगी जी का सोच है कि हमारे भाग्य विधाता हैं किसान, हमारे अन्नदाता हैं, हमारे देश के मालिक हैं, और मालिकों के साथ अभी तक जो कांग्रेस की सरकार केंद्र में बैठी, उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, और वह फैसला ऐसा फैसला, चूंकि मैं भी एक किसान हूँ और किसान के नाते इससे लाभ ये होगा हम लोगों के लिए, उत्तरोत्तर हमारी तरक्की होगी, और ये फसल का बीमा और ये सारा, देखिए, आदरणीय अटल जी ने, आदरणीय मोदी जी ने, ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। पहले आप क्रेडिट कार्ड से धन नहीं निकाल सकते थे, परंतु आज क्रेडिट कार्ड से आप धन निकाल सकते हैं, तो आदरणीय मोदी जी ने कितनी अच्छी सुविधा दे दी। 33 करोड़ लोगों ने कभी बैंक देखी नहीं थी, 33 करोड़ लोगों को खाता खुलवा दिया आदरणीय मोदी जी ने। वो बैंक में जाने से भी डरते थे, को घबराते थे, ये सोचते थे बैंक में कैसे घुसेंगे, बैंक के कर्मचारी भी उनसे मिलने को तैयार नहीं होते थे। तो ऐसे 33 करोड़ लोगों का आप देखिए खाता खुल जाना जीरो बैलेंस पे, तो बहुत बड़ी बात है। आदरणीय मोदी जी इस देश के विकास के लिए इतना बड़ा काम किया है कि विश्व में आज मोदी जी की तरफ निगाहें रहती हैं। पहले आप देख रहे हैं कि अमेरिका और इनके ऊपर निगाहें होती थी, रूस के ऊपर, आज भारत के ऊपर निगाहें होती हैं, और आज देख रहे हैं कि डोकलाम जैसी स्थिति में आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया है, चाइना आज बैकफुट पे आ गया। आज विश्व के कई देश हमारे साथ लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी जो भी निर्णय लेते हैं बहुत ठोस सोच समझ के देश हित में लेते हैं और राष्ट्र के हित में लेते हैं। राष्ट्र हित ही उनका सर्वोपरि है, क्योंकि वह संघ के स्वयंसेवक रहे, कार्यकर्ता रहे, इस नाते उन्होंने हमेशा देश हित में ही अपना काम किया है। उन्होंने अपना व्यक्तिगत हित कभी नहीं देखा, उन्होंने अपने परिवार का हित नहीं देखा, उन्होंने अपने खानदान का हित नहीं देखा, उन्होंने केवल राष्ट्रहित 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 देखा है। आज कांग्रेस लगातार इसमें राजनीति पूरी सत्ता की रोटी सेक रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, इर फिर के कभी सोनिया गांधी बन जाती हैं, इर फिर के कभी राहुल गांधी बन जाते हैं। देखिए, ओबामा जी राष्ट्रपति रहे वहाँ के अमेरिका के, ट्रंप से पहले थे, उन्होंने अपनी किताब में पप्पू लिखा है उनको। मैंने तो नहीं कहा कि लिख दो इसको पप्पू, वो आप किताब पढ़ लेना, मैंने पढ़ी है। ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति ओबामा अमेरिका के, उन्होंने पप्पू शब्द का उपयोग किया है कि मैं उनसे मिला था जब भारत गया, राहुल से लेकर, राहुल नासमझ व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको जौ की बाल और गेहूं की बाल में अंतर नजर नहीं आता, ना वो धान के खेत को समझ पाते हैं, तो वो खेती के विषय में समझेंगे क्या, क्योंकि वो तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। आदरणीय मोदी जी बहुत गरीब परिवार में और चाय बेचने वाले से आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आदरणीय मोदी जी हम सबकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, देश के भाग्य विधाता के रूप में काम करेंगे, ऐसा उनका सोच है, ऐसा उनका भाव है। आज हमारा आने का उद्देश्य है, एक तो मेरी एक बैठक थी बदायूं में और एक बैठक सरकारी यहाँ पर है, और पुराने कार्यकर्ताओं जो मेरे साथ, मैं चूंकि यहाँ बरेली में संगठन मंत्री रहा हूँ, शायद आप जब गोद में खेले होंगे, मैं 91 में यहाँ संगठन मंत्री रहा हूँ, तो मेरे ये पुराने राम गोपाल जी हैं, हमारे प्रदेश मिश्रा जी हैं, आजाद जी हैं, और ये हमारे अनिल राणा, ये सब लोग जो मेरे साथ काम किया है, इन सबसे भी भेंट वार्ता हो जाएगी। सरकारी बैठक लेकर मैं यहाँ से निकलूंगा, जबकि मुझे आज वहाँ रहना भी था, आज हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री आए, लेकिन मेरा कार्यक्रम पहले से घोषित था, इस कारण सभी से मिलने जुलने का और सरकारी बैठक की दृष्टि से मैं आया हूँ।
शहरों की तरफ। देखिए कोरोना काल में हमने 1800 करोड़ रुपया बांटा है, और देखिए लगातार 8 महीने हमने फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया है, और मेरे विभाग ने 1000 रुपये प्रत्येक मजदूर को प्रत्येक मास दिया है, उनके अकाउंट में पहुंचा है। पहले ऐसा था 100 रुपया देते थे तो मुश्किल से 50 रुपया पहुंचता था, आज हमको पता नहीं है, केवल सीधे खाते में जाता है, लखनऊ से उनके ट्रांसफर होता है, पूछ लेना किसी से भी। आज वो स्थिति नहीं है, पूर्ववर्ती सरकारों ने साइकिल बांटने में घोटाला किया था, बेईमानी की थी। आदरणीय योगी की सरकार है इसलिए 100% इसका विचार होता है और 100% लाभान्वित होता है व्यक्ति, उसके विषय में ये नहीं है कि दाएं बाएं 1% भी हो जाए, अगर 100 रुपया जाएगा तो 100 रुपया पूरा उसके खाते में जाता है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि मेरे श्रम विभाग में यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जीने से लेकर मृत्यु तक पैसा देता है। आप भगवान ना करें बीच में कहीं आपको एक्सीडेंट हो, 5 लाख रुपया देते हैं, अंत्येष्टि के लिए 25,000 रुपया देते हैं, और 60 साल के जब हो जाएंगे बेशक आप काम 1000 हम पेंशन देते हैं, और कुशल कारीगर 1500 हम पेंशन देते हैं। तो मेरा विभाग अन्नदाता के रूप में काम कर रहा है। मैं इन गरीब मजदूरों के लिए आग्रह करूंगा और अपने नेताओं से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि हम लोग एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं कर सकते, आदरणीय आप सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का उसमें बैन लगा हुआ है कि इस धन से जो सेस का धन है हमारे पास 6000 करोड़ रुपया जमा है, वो सेस का धन के माध्यम से हम गरीब लोगों की व्यवस्था करते हैं, और गरीब लोगों की व्यवस्था जीने से लेके मृत्यु तक, शादी में 71,000 रुपया देते हैं, 65,000 रुपया नकद देते हैं, बाकी कपड़े के लिए देते हैं, और सामूहिक विवाह में हम 75,000 रुपया देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति हम देते ही देते हैं, उनसे कुछ लेते नहीं है। 20 रुपये में रजिस्ट्रेशन होता था, अब मार्च तक मैंने निःशुल्क कर दिया है, अभी और बढ़ा दिया है, क्योंकि 6 महीने लगातार निःशुल्क हो रहा था रजिस्ट्रेशन, अब 3 महीने हमने और बढ़ा दिए मार्च तक, निःशुल्क कराइए। आप सभी से आग्रह है, जिनकी आय 10-15 हज़ार से कम है वह स्वयं रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और कुशल कारीगरों के लिए विशेष आग्रह है मेरा, जैसे कोई कारीगर बढ़ई है, लोहार है, पेंटर है, ड्राइवर है आपका, वैसे जो आपका जो चलाते हैं रोड रोलर वगैरह चलाते हैं, ऐसे उन लोगों के लिए मेरे विभाग में इतनी अच्छी व्यवस्था, उनको घर बनाने के लिए, उनको सौर ऊर्जा लगाने के लिए सारा धन हम लोग देते हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं आग्रह करूँगा, अपने नेताओं से भी आग्रह करूँ, गरीब मजदूर को वो वेबसाइट नहीं खोल पाता है तो वेबसाइट खोल के अपने घर से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मीडिया में हमने जो आपका पूरा तनख्वाह नहीं मिलती थी बनारस में, आपके वो जस्टिस मजीठिया, जस्टिस मजीठिया रिपोर्ट हमने लागू करा दी बनारस में, तो इसलिए आप सबको भी पूर्ण वेतन मिलना चाहिए, मेरे विभाग ने काम किया है। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आए।